Hi guys, my name is ZRK sir and today I'm gonna teach you how to learn vocabulary, how to learn words. आप अपनी वोकेबुलरी को कैसे इंप्रूव करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को आप सीख सकते हैं and how to use them into the sentences. आज इस वीडियो को आप पूरा देखें. If you watch this video properly, full and definitely you are going to improve your English as well as you are going to increase your vocabulary 100% I can give you in the writing. Okay, let's get started. So there is a word stubborn. Stubborn. मेरे पास एक वर्ड है ये stubborn. 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 Right. So simple. कोई भी आपके पास वर्ड है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे ज्यादा वोकैब्स आप सीख सकते हैं. I'm gonna tell you. Suppose आपके पास XYZ कोई भी वर्ड है तो आप पहले क्या करते हैं, उस वर्ड को आप चेक करो इसकी स्पेलिंग को. तो स्पेलिंग क्या है, stubborn. सबसे पहले हमने क्या करा, वर्ड लिया, वर्ड की स्पेलिंग देखी stubborn. Stubborn. फिर हम क्या करेंगे, स्पेलिंग देखने के बाद उसको हमें देखना है, पहले हमने S for स्पेलिंग हमने देख ली उसकी, राइट, हमें पता चल गया. फिर P for प्रोनंसिएशन आप उसका देखेंगे कि उस वर्ड का प्रोनंसिएशन क्या है, राइट. सो stubborn. तो यहाँ पे हल्का सा स्ट्रे देंगे, है ना. स्ट्रेस क्या होता है, कैसे देते हैं वो अगर आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना. स्ट्रेस का मतलब होता है लॉन्ग एंड लाउडर करते हैं उसको, थोड़ा सा जहां पे भी स्ट्रेस दिया जाता है. सो यहां पे stubborn ये स्टबर्न या स्टबर्न, आर को लाइटली भी पढ़ सकते हैं, ये ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क होगा थोड़ा सा. स्टबर्न तो हमें पता चल गया कि दिस इज द प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, हमने देख लिया. अब इसका हमें स्पेलिंग पता चल गई, प्रोनंसिएशन पता चल गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वर्ड क्या है, सी फॉर क्लास, क्लासिफिकेशन देखेंगे ये वर्ड है क्या, है ना. जैसे कि हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जिसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, है ना, ये सारे होते हैं. सो अब कोई भी वर्ड है हम उसे देखेंगे कि वो वर्ड है क्या. तो मैं आपको बता दूं stubborn ये स्टबर्न ये एक एडजेक्टिव है. क्या ये, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ adj, ये है एडजेक्टिव. यहाँ पे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, adj लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता d यहाँ पे साइलेंट है, एडजेक्टिव. तो ये क्या है, इट्स एन एडजेक्टिव. तो मुझे पता चल गया अगर ये अब एडजेक्टिव है, यानी कोई भी वर्ड अगर नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है, तो उनकी चारों फॉर्म होंगी. तो अब इसकी हमें क्या फॉर्म देखनी है, N for noun, इसकी noun form देखनी है, adv, इसकी adverb form देखनी है, और V for verb. हमें पता है कि this is an adjective. तो अब इसका क्या होगा, noun भी होगा, adverb भी होगा और verb भी होगा. तो ये हम जान लेंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको sentences में use करेंगे ज्यादा से ज्यादा. जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते करते हम पहले इसको क्या है, ये यहीं से यूज़ करता जा रहा हूँ और फिर इसकी फॉर्म्स को बताता हुआ जाऊँगा मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू यूज़ वर्ड्स इनटू द सेंटेंसेस एंड हाउ टू इंक्रीज वोकैबुलरी. ये एक तरीका बता रहा हूँ, तरीके बहुत सारे होते हैं वोकैब्स को सीखने के, राइट. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना, यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं. सो दिस इज एन एडजेक्टिव, है ना. सो सिंपल अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि कोई बंदा है स्टबर्न मतलब जिद्दी, हमने उसके पता चल गया कि मीनिंग क्या है, मीनिंग हमें पता है. सो उसको बोलते हैं, जैसे कोई बंदा है, ही है, ही इज स्टबर्न, शी है, शी इज स्टबर्न, हम एडजेक्टिव की तरह इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, है ना. दे आर स्टबर्न, है ना, सिंपल में यूज कर सकते हैं इसको, और भी तरह से यूज कर सकते हैं. जैसे माय ब्रदर इज अ स्टबर्न पर्सन, अगर कोई ऐसा बंदा है जो स्टबर्न है, हम उसे बोल सकते हैं माय ब्रदर इज अ स्टबर्न पर्सन, है ना, सिंपल हम यूज हो सकते हैं, है ना. जैसे मेरा एक दोस्त है वो स्टबर्न है ना, ही इज माय स्टबर्न फ्रेंड, सिंपल हम इसको ऐसा बोल सकते हैं. और भी कई सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. जैसे कई बार आपके दर्द हो जाए तो वो दर्द जा ही नहीं रहा है ना, काफ़ी टाइम के बाद जा रहा है या बार बार हो जाता है, तो ऐसे दर्द को बोलते हैं आ स्टबर्न पेन, है ना. आई हैव अ स्टबर्न पेन मतलब कि ठीक हो जाता है फिर शुरू हो जाता है दर्द होना. आई हैव अ स्टबर्न पेन, आ स्टबर्न पेन, I have a stubborn pain in my stomach. मेरे दर्द है मतलब पेट में, और वो ठीक हो जाता है
पर्टिकुलर टाइम के लिए फिर से दोबारा शुरू हो जाता है। ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है, जैसे कमर में हो जाता है लोगों के बहुत बार। सो बोल सकते हैं आई हैव अ स्टेबन पेन, मतलब पुराना दर्द, मतलब काफ़ी टाइम से जा नहीं रहा है। ऐसे हॉर्स भी होता है, है ना, एनिमल के साथ भी लगा सकते हैं, है ना, जैसे जो आपके वश में ना हो, है ना, जैसे संभाल ना पाए जिस हॉर्स को आप, है ना, तो बोलते हैं दिस इज अ स्टेबन हॉर्स, है ना, मतलब अपनी मर्जी से वो भाग जाता है इधर उधर, है ना, आप कई बार उसको वश में नहीं कर पाते, अपने कंट्रोल से बाहर होता है। तो दिस इज अ स्टेबन हॉर्स, कई बार बोलते हैं मेरे पास है भाई, आई हैव अ स्टेबन हॉर्स, हम इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे रिफ्यूज़ल हो जाता है ना, स्टेबन रिफ्यूज़ल भी होता है, जैसे आप मतलब किसी को डायरेक्टली मना करते हैं तो बोल सकते हैं स्टेबन रिफ्यूज़ल, है ना, जैसे उसने मुझे डिनाई कर दिया किसी चीज़ को, है ना, सो डायरेक्टली ही डिनाइड, है ना, इट वॉज अ स्टेबन रिफ्यूज़ल फॉर मी, मतलब स्टेबन मैंने टाइटली, मतलब नहीं कोई भी डील है या चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं या मैं मना कर दूँ, सो आ स्टेबन रिफ्यूज़ल होता है वो, किसी चीज़ को हम मना कर दें, है ना। जैसे और भी कई सारी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई अटैम्प आप करते हैं, है ना, जैसे आपने मतलब पूरी ताकत से जिद के साथ अपने कॉन्फिडेंस के साथ कोई अटैम्प किया, कोशिश की, है ना, तो आई डिड अ स्टेबन अटैम्प, आई डिड अ स्टेबन अटैम्प, है ना, जैसे मैं एग्जाम निकालने के लिए मैंने अपने पूरा प्रयास किया, कोशिश की, तो मैं बोल सकता हूँ आई डिड अ स्टेबन अटैम्प टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, टू पास द एग्जाम, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सो अब इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैंने क्या रहा, मैंने एडजेक्टिव की तरह लिया और उसके यूजेस हमने देखे, इसको यूज करने का तरीका देखा। सो यूज कैसे करें, आई बिलीव आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब हम देखते हैं इसका नाउन, तो नाउन क्या होगा, तो वर्ड है हमारे पास STUBBORN, स्टेबल, ये क्या है, एडजेक्टिव, तो इसकी नाउन फॉर्म लिखेंगे, नाउन फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं सपोज, तो नाउन फॉर्म क्या है इसकी, STUBBORN और यहां पे लगाएंगे प्लस NESS, तो यह जाएगा स्टेबलनेस, वर्ड हो जाएगा STUBBORNESS, तो वर्ड बन गया स्टेबलनेस, जिद, इसका अंदर था जिद्दी, इसका अंदर था जिद, है ना, तो मैं बोला मैं जैसे मेरा एक भाई है ना, वो एक बार जिद कर ले, है ना, तो जिद मतलब स्टेबलनेस, है ना, जिद तो मतलब जिद्दी है, ही इज स्टेबल, है ना, वेन एवर ही सेज आई वॉन्ट दिस और दैट, सो वो मानता नहीं है, आई डोंट लाइक हिज स्टेबलनेस, उसकी जिद मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक, जैसे यू के लिए बोल सकते हैं आई डोंट लाइक योर स्टेबलनेस, है ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं स्टेबलनेस, और भी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, और भी इसको अलग अलग तरह से यूज आप कर सकते हो सेंटेंसेस के अंदर। आई बिलीव आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, तो इसके हमें नाउन फॉर्म भी पता चल गई एडजेक्टिव होने के बाद। अब हम देखेंगे इसकी एडवर्ब, एडवर्ब तो हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एल वाई लगा देते हैं एडवर्ब बनाने के लिए, STUBBORNELY, स्टेबलली, है ना, सिंपली हम स्टेबलली जिद से, है ना, यू आर गोइंग ओवर देयर स्टेबलली, जिद से जा रहे हो वहां पे, है ना, यू आर गोइंग ओवर देयर स्टेबलली, ही इज डूइंग दिस वर्क स्टेबलली, अपनी जिद से कर रहा है वो बंदा इस काम को, है ना, इज डूइंग दिस वर्क स्टेबलली, जिद से कर रहा है इस काम को, आई डू नॉट अग्री, राइट, मेरा मैं अग्री नहीं हूँ, है ना, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है आपकी फैमिली में, आपके ब्रदर सिस्टर, या आपको लगता है कि आपके तरीके से नहीं चल रहा, है ना, आप अग्री नहीं होते कई बार, तो ही इज डूइंग स्टेबलली, जिद से कर रहा है, आई डोंट लाइक दिस, तो सिंपल हम इस को एडवर्ब की तरह यूज कर लेंगे। एंड नाउ द लास्ट वर्ब की तरह कैसे यूज करें इसको, सो वर्ब कई बार होती है, कई बार हम वर्ब की तरह इसको यूज करना चाहते हैं, तो हम वर्ड यूज करेंगे एक बी, यहाँ पे इसकी वर्ब हमारे पास एक्चुअल में नहीं है, तो हम यूज करेंगे जैसे किसी को हम बोलते हैं भाई जिद्दी मत बनो, है ना, डोंट बी स्टेबन, वाई आर यू बींग स्टेबन, यू शुड नॉट बी स्टेबन, तो इस तरह से यूज कर लेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे वो वीडियो को देख के, या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बता दूँ ये कैसे मिलेंगी आपको, जब भी आप वर्ड्स को पढ़ते हैं तो आप सिंपली कोई भी डिक्शनरी लेते हैं, वैसे मैं बता दूँ आपको ऑक्सफोर्ड लें, आप ब्रिटिश इंग्लिश अगर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड लें, वरना मेरियम वेबस्टर लें, या और भी कई सारी डिक्शनरीज हो सकती हैं, तो कोई भी आप डिक्शनरी लेंगे, या मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरा जो बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप ऑक्सफोर्ड या मेरियम वेबस्टर लें, अमेरिकन इंग्लिश के लिए मेरियम वेबस्टर,
और ब्रिटिश इंग्लिश के लिए ऑक्सफोर्ड। तो आप क्या करेंगे, पहले उस वर्ड को सर्च करेंगे, वर्ड का जब सर्च करते हैं तो उसमें आता है कि ये दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नाउन, यो भी है एक्स वाई जेड, उसकी क्लास आती है ना, क्लासिफिकेशन आता है। तो आप उसकी एक फॉर्म देख लेंगे, तो आप उसकी नाउन है तो सिंपल, सो आप उसका क्या देखेंगे, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, फिर उसके यूसेज को देखेंगे, उसका प्रोनंसिएशन देखेंगे, स्पेलिंग देखेंगे, और उसको आप यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। एक गोल्डन सा स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूँ, अगर वोकैब्स आप अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं और ज़्यादा वोकैब्स सीखना चाहते हैं, सो आपको यूज़ करना है। आप एक कहावत है इंग्लिश में, इफ़ यू यूज़ यू विल नॉट लूज़, इफ़ यू डोंट यूज़ यू विल लूज़। आप कितनी भी वोकैब्स सीख लो, कितने भी वर्ड सीख लो, अगर आप उनको यूज़ नहीं करते तो आप कितनी भूल जाते हैं। आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।